ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋଦି ସରକାର ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ବିଜେପିର ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲାବେଳେ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, 31 କୋଟି ଲୋକ ଜନଧନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ 8 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ସବୁଥିରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜୁଳି, 10 କୋଟି ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ 60 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶାହା। मैं बताना चाहता हूं ओडियावासियों, मैं बताना चाहूं तो हूं ओडिशा के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर ये बात पहुंचाइए, किसान सम्मान निधि 36.5 लाख ओडिशा के किसानों को 725 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधा इनके बैंक अकाउंट के अंदर आज तक पहुंचाया है। महिला जनधन खाते लगभग 40 लाख गरीब महिलाओं को 593 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजन, बूढ़े, ये सबको और विधवा त्यक्ता बहने, ये सबको 3 करोड़ लोगों को 20 लाख अकाउंट में, मैं सिर्फ ओडिशा का आंकड़ा बताता हूं, 20 लाख लोगों को 206 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर को 418 करोड़ रुपया, 18 करोड़ रुपया पहुंचाया, 28 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के 3 गैस के सिलेंडर फ्री देने का काम किया, 2 दिए जा चुके हैं। 47 लाख उड़ीसा की महिलाओं को 1100 करोड़ रुपए के गैस के सिलेंडर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। कुल 1.71 लाभार्थियों को 3000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ ओडिशा के गरीबों को पहुंचा है, और देश भर में 51 करोड़ लोगों को 53000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, पीडीएस के माध्यम से लगभग 1461 करोड़ रुपये का अनाज गरीब लोगों को पहुंचाया है। और पहला ओडिशा जैसे राज्यों में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, डीएमएफ से ओडिशा के लिए लगभग 2012 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया जो बुनियादी सुविधाएं बनाने के लिए है। जिले की अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, उनकी दवाइयां ये लाने के लिए खर्च हुआ। एनडीआरएफ से 118 करोड़ रुपया गया, और अभी धर्मेंद्र भाई ने बताया जब साइक्लोन आया, अम्फान आया, अपनी जान को जोखिम में डालकर नरेंद्र मोदी जी ओडिया वासियों के साथ चट्टान की तरह खड़े दिखे, चट्टान की। और 500 करोड़ रुपया प्राथमिक रूप से, अभी तो एक टीम गई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे क्या आता है। विपद आपद बेले सब बेले ओडिशा को प्राथमिकता दे आछंती मोदी सरकार। कोरोना महामारी बेले 210 टी ट्रेन रे 3 लक्ष ओडिया घर को फेरछंती। केन्द्रीय अनुदान भावे 5 वर्ष 552,109 कोटी ओडिशा को मिली। ओडिशा पाई मोदी 5 वर्ष स्वर्णिम समय बोली कहिसंती शाह। खोर्धार पाइक स्मारक 100 कोटी दि जाइए जहाँकि ओडिया जातिर सम्मान। मोदी सरकार धानर MSP वृद्धि कले जहाद्वारा कृषि प्राधान्य राज्य भाव ओडिशार चाषी यार लाभ उठाई पारे। ओडिशा को बीजेपी गड़ करने को कर्मी को आह्वान देते शाह। ये 6 साल के अंदर हमने बहुत सारा काम किया है, मगर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि देश भर में ये 6 साल में मोदी जी ने सबसे ज़्यादा काम किया है, मगर उड़िया वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा के लिए हमने सबसे ज़्यादा काम करा है। पूर्वी भारत के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा, और मोदी जी के शब्द कभी कोरे वादे नहीं होते हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, चाहे ओडिशा हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये सभी राज्यों के लिए ये 5 साल का काल स्वर्णिम काल रहा है, और ओडिशा के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। मेरे समय में काम अधूरा हुआ है, नड्डा जी के समय में ये काम पूरा करना है। ओडिशा को भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये पूर्वी राज्य संस्कार केंद्र भारत का विकसित राज्य होना चाहिए। उड़ीसा का व्यक्ति
मजदूरी करने के लिए कहीं और जाए ऐसी स्थिति ना आनी पड़े, भविष्य में कोई प्रधानमंत्री ने श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े, इस प्रकार के उड़ीसा की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूँ, मोदी नेतृत्व पर विश्व में भारत निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान छ वर्ष पूर्वोत्तर विकास कार्य करी मोदी सरकार पूर्व भारत को विकसित करने सरकार प्रतिबद्ध बोली केन्द्रमंत्री। पूर्वर ओडिशा प्रति कांग्रेस वैमातृक मनोभाव देखा ओडिया लोकंकु अपमानित करितला कहितला टंका कौन गछरे फळे, किंतु मोदी सरकार छुट्टी दिन रे भी सहायता टंका पठाइले। प्रधानमंत्री आवास रो बड़ लाभांश ओडिशा को मिलितबा कहिसंती केन्द्रमंत्री। सेहिपरि प्रधानमंत्री उज्जवला रो बड़ लाभांश ओडिया को मिलितबा कहिसंती धर्मेन्द्र प्रधान। 14-19 पर्यंत हिसाब ठीक से देइतिबा कारणरो प्रधान सेवकंकु भारत वर्ष पुनर्बार जितेला आशीर्वाद कला 2019 रे जे पर्यंत पूर्व भारत विकसित हे नै से पर्यंत भारत रे संतुलित विकास संकल्प कल्पना करबा भूल हब, सेई पई अन्य अंचल सह समकक्ष करबा पई नरेंद्र मोदी आज कटिबद्ध। सेई दृष्टि रु मु पूर्व भारत तरफ रु पूर्व भारत प्रमुख राज्य ओडिशा तरफ रु नरेंद्र मोदी को कृतज्ञता ज्ञापन करूछि, धन्यवाद जणाउछि। सबुबेले ओडिशा वासी को निकट रे ठिया होई आछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राकृतिक विपर्जय रे चट्टान परि ठिया होउछन्ति मोदी, जहार उदाहरण हेउछि बात्या सहायता। फोनरे 4000 कोटी रो ऊर्ध सहायता मिलिथिबा बेले अम्फान सहायता राशि घोषणा रो 24 घंटे राज्य को मिलला 500 कोटी टंका, जहाँ राज्य प्रति थिबा मोदी सरकार आंतरिकता को दर्शाउछि बोली कहिसंति बीजेपी राज्य सभापति समीर महंती। से फनी ठारु अम्फनी बड़ी प्राकृतिक विपर्जय बेले ओडिशावासी पाखरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी चट्टान भली ठिया होती। से भाव ओडिशारु तीन जन राज्यपाल, दुई जन केन्द्रमंत्री, दुई जन मनोनीत राज्यसभा सदस्य, गोटे वर्ष 12 जन पद्मश्री पाइबा भली मोदी ओडिशार वासी को प्रदान करिसंती, ए प्रमाण करुछि मोदी ओडिशा को भल पाइबा। महामारी रे मध्य लोकंकु हिसाब देउछि बीजेपी, बीजेपी को लोकसभा रे समर्थन करथिबारु देशवासी को धन्यवाद देइछंती शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्गस.इन।